प्रणाम, हम छी मोनालिसा, हम बनाबे जा रहल छी आइ मटर के गोदला, जेकरा की गद्दा भी कहै छी हमसब। तो आइ हम बड़ी के साथ बना रहल छी, एहिमे भात, मटर के गोदला और आलू के चोखा, टमाटर धनिया पत्ता के चटनी आइ हम बना रहल छी। तो हम लऽ लेने छी 1 किलो मटर, जेकरा के हम छोड़ा लेने छी, ओहिमे से कनिक हम ई दाना रखबै, एकरा हम पीस लेबै और ई कुछ हरा धनिया काट लेने छी और ई एकटा बड़का साइज के प्याज और 1.5 इंच के टुकड़ा आदि के छै और 4-5 टा लहसुन, एकरा हम पीस लेबै, मसाला तैयार भ जेतै। और ई एक छोटका कटोरी बड़ी छै, दाम दाल के, मूंग दाल के, मसूरी, तीनटा के मिलल छै बड़ी, तीनों दाल के। और ई छै नमक स्वाद अनुसार लेबै, तेल, सरसों के तेल लेबै बनाबे के लेल, और ई घी छौंक लगाबे के लेल सब्जी में। और ई अहाँ चाहे तो गरम मसाला भी ले सकै छी, हम ई 3 टा इलायची और 4 टा लौंग के कुटि लेने छी, रखबै सब्जी में। और मसाला में चाहिए हमरा फोरन के लेल 5 फोरन कनिक, और पत्रक 3-4 टा, और धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा। और चटनी बनाबे के लेल हम लऽ लेने छी 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ता, धो के मोटे काटि लेने छी, और ई 2 टा नम्हर साइज के टमाटर छै ओकरो काटि लेने छी, और ई 3 टा हरा मिर्च और 4 टा लहसुन। चोखा के लेल देखू, ई हम 4 टा मध्यम साइज के, 4-5 टा आलू के उसैन के हम नून डाल के चोखा बना लेलियै, एकरा हम पकेबै, मतलब छौंक लेबै चोखा के। ताहिके लेल जीरा, हरा मिर्च और प्याज और ई हरा धनिया। ई भात बनाबे के लेल हम लेने छी 1 गिलास चावल। तो ई चावल जे छै से हाफ बॉयलर जे आजकल मिलै छै सेलर के, ओ छै पूरा उसना चावल नहि छै, हाफ बॉयलर से। तऽ 1 गिलास लेलियै, एहि गिलास से हम एहि चावल में 2 गिलास पानी रखबै। पहले हम चावल के धो लै छी 2-3 बेर। ई चावल धो के हम राख देलियै कुकर में, एहिमे हम राख देबै 2 गिलास पानी। अरवा चावल रहतै तऽ हम 1.5 गिलास देती 1 गिलास चावल में। ई हाफ बॉयलर चावल छै, तऽ बढ़िया से पाके के लेल, खिलल खिलल चावल बनतै ओहि के लेल 2 गिलास पानी देबै। और एकरा आँख हम नहीं चढ़ेबै, जब सब्जी छौंकबै ओहि टाइम में हम गैस पर चढ़ेबै। तो चलू पहले चटनी के तैयारी कऽ लै छी। गरम भऽ गेल छै पैन, तऽ एहिमे कनिक सन हम चटनी के लेल तेल राखि देबै। एहिमे हरा लहसुन और हरा मिर्च डालबै, तऽ हरा मिर्च के काटि के डालबै। पाके देबै हम लहसुन के, एना पकेला से बहुत नीक स्वाद अबै छै चटनी के। ओहिमे हम राखि देबै टमाटर, ई 2 मिनट जते हम मध्यम आँच पर टमाटरों के पका लेली, ताहिमे हम राखि देबै ई धनिया के पत्ता। और हम गैस के भी बंद कऽ दै छी, खुदा नै छी। और एकरा हम मिलाबै छी हल्का ठंडा कऽ के, कनि सन हम ठंडा कऽ के स्वाद अनुसार नून डालि के मिक्सी में पीस लेबै। ई पहले हम एहिमे कढ़ाई में बड़ी के भूज लै छी, क्याकि हम बड़ी के सीटी लगेबै। हमरा हियाँ कढ़ाई में पाकल बड़ी नहीं खाय छथिन, कनिका सीटी लगा देलहुँ, नीक जगह पाकि जाइ छै। तऽ ई 1 बड़ा चम्मच जते तेल राखि देली हम, गरम होइ देबै पहिले, तेल गरम भऽ गेल, बड़ी के राखि के कनि भूज लेबै। और साथे में हम मिक्सी में हरा मटर के भी पीस लेबै। हरा मटर में हम पानी नहीं डालबै, इसे बिना पानी के कम कम चला के ओकरा पीस लेबै, और इधर मसाला भी पीस लेबै और चटनी के भी तैयार कर लेबै। ई बड़ी भुजा गेल छै, हम एकरा निकालि लेबै। कढ़ाई में हम पहले चोखा के छौंक के निकाल लेबै। राख दै छी जीरा, 1 छोटा चम्मच हम लेने छलियै जीरा, जीरा के नीक जगह हम पाके देबै। जीरा पाकि गेल छै तऽ एहिमे राखि देबै हम हरा मिर्ची और प्याज। प्याज के नीक जगह भूज लेबै,
और हम बड़ी के ही रख देने छी गैस पर, दो सीटी लगा के दो तीन मिनट कम आंच पर हम बड़ी के पका लेबे। प्याज भुजा गेल छै, इमे हम राख देबे चोखा और साथ में धनिया पत्ता। अब एकरा अच्छा से हम मिला देबे चोखा के, एमे और चोखा के हम निकाल लेबे। अब यही कढ़ाई में हम सब्जी छौंक लेबे। हम दो बड़ा चम्मच जते तेल राख देलिए, तेल के गरम होने देबे। इसमें पांच फोरन एक चम्मच छोटा चम्मच से, तीन चारटा पत्रक भी राख देबे और कनिक पाके देबे। साथ में देखिए बॉडी में सीटियो लाग रहल छै। दो सीटी लाग गेल छै बॉडी के, तब ओकरा हम कम कऽ देबै दू मिनट से, तब गैस के बंद कऽ देबै। और फोरन के ताले हम पाके दै छी। एमे हम राख देबै फोरन पाक गेल छै, तऽ ई आधी लहसुन और प्याज हम पीस लेने छी। मसाला हम राख देबै, सब चीज हम बिना प्याज पानी राख के पीस लिए। तनिक देर हम मसाला के भूज लेबै। ई तीन चार मिनट जते हम मध्यम आँच पर मसाला के भूज लेली है, एकर कच्चापन निकल गेल छै। एहिमे हम आप सुखल मसाला राख देबे, तीन छोटा चम्मच धनिया के बुकनी, डेढ़ चम्मच मिर्चाई के बुकनी, अपना स्वाद के हिसाब से ला लिया, एक चम्मच हल्दी। और साथ में हम ये राख देबे हरा मटर भी रखने दाना, और तनिक सन पानी राख के हम मसाला के भूज लेबे पहले। मटर के भी मसाला के भी हम चार पांच मिनट भूज लेली। आप टाइम में हम ये पीसल मटर राख देबे, देखू एहन पीसने छी हम, हल्का मोटे बिना पानी के, मिक्सी के कनी रोक रोक के चलावे पड़े छै। हम मधुमे आँच छै, मधुमे आँच पर हम मसाला से भूजबे। नीक जगह मटर के भी भूज लेबे, जे कि एकर कच्चापन, मटर के कच्चापन जे है खत्म भ जेते। साथ में हम कुकर भी चढ़ा देने के लिए गैस पर, चावल होने के लिए। देखो सीटी लागी लागल से, एक सीटी हम लगेबे ओकर बाद गैस के हम तुरंत बंद कर देबे। भात बन गेल छै, इधर देखियौ मटर भी भुजा गेल छै। एहिमे हम राखि देबै लौंग इलायची, और साथ में ई जे हम बड़ी के उसन लेने छलियै से पानी से ही। अब हम गैस के आँच तेज कर देबे कनिक देर, एक नीक जगह मिला ले छी। ओकर बाद नमक और पानी हम राख देबे। एक हम एक मिनट जेते ई देखो पानी सुख गेल छै बड़ी वाला, तब एहिमे हम राख देबे स्वाद अनुसार नमक और साथ में पानी। पहले एक बेर हम नीक जगह मिला ले छी, ओकर बाद और पानी रखबे। कनेक्शन और पानी देते एक हम सब्जी के हम दो मिनट जेते तेज आंच पर निक जगह उबाल आवे तक, खतके तक बना लेबे पहले। देखो निक जगह
खदि गेल छै सब्जी। और एतबे के हम रखबै, ई जाड़ के मौसम में बहुत निक लगै छै। मटर भी अखने मिलै छै, गोदला बना के खाए में बहुत निक लगै छै। अपने सब देख सकै छी, हम आलू कोबी वाला गोदला भी बनेने छी पहले यूट्यूब चैनल में, जाके ओकरो रेसिपी देख सकै छी, सेमे छै। बस एहिमे हम बड़ी रखने छी, ओहिमे आलू कोबी से बनेने छी। अब हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देबे ऊपर से, और गैस के हम ऑफ कर दै छी। और एक खाली घी जीरा से लास्ट में हम एकरा छौंक देबे। ये छौंके के लेल हम एक चम्मच घी राख देलिए, घी गरम भ गेल छै, ताहिमे हम राख देबे एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा के नीक जगह पाके देबे, गैस हम बंद कऽ दै छी, अपने पाकि चुके अभी। सब्जी में हम ये गरम गरम तैयार छै हमर खाना, भात, गद्दा, बड़ी वाला गद्दा, और टमाटर धनिया पत्ता के चटनी, चोखा और पापड़। आशा छै कि अपने सबके नीक लागल हेतै हमर ई पूरा खाना के वीडियो। तऽ हमर चैनल के सब्सक्राइब कैल जाउ, वीडियो के लाइक और शेयर कैल जाउ। धन्यवाद, प्रणाम।